अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं शकील, जो लेकर आया हूं अहम खबरें। आज के हेडलाइंस: महंगाई, मोदी सरकार का आम जनता को शॉक, घर के गैस की कीमतों में बढ़ोतरी। बुकेरी में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट। 2021-22 साल के SSLC का रिजल्ट आज ऐलान कर दिया गया। आज के बढ़ते हुए दामों को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। महंगाई की वजह से आम जनता की परेशानी में और एक इजाफा दिखने में आ रहा है। मई के महीने में दूसरे बार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। 12 रोज पहले ही गैस की कीमतों में 50 रुपये से इजाफा किया गया था। आज जुमेरात को फिर से 3 रुपये 50 पैसों से गैस के दाम बढ़ाए गए। साथ ही साथ कमर्शियल गैस की कीमतों में 8 रुपये का इजाफा किया गया है। पिछले कुछ महीनों से गैस की कीमतें बढ़ती ही जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों में गुस्से और नाराजगी का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। पता चला है कि बूथ के रोज हुक्केरी बस स्टैंड सर्कल पे एक दुकानदार के दुकान से दिन दहाड़े 5 लाख नगद रखी हुई बैग चोरों ने लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरी के CCTV कैमरा में कैद किए गए फुटेज को लेकर पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि अरुण इमगौड़नवर, जिनका बस स्टैंड सर्कल पर किराना दुकान है, उन्होंने अपनी बैग जिसमें कैश और चेकबुक रखी हुई थी, गर्दी का फ़ायदा उठाकर, चोरों ने ये देखा कि उन पर किसी की नज़र नहीं है और उसका फ़ायदा उठाकर उस बैग को लेकर वहां से भाग खड़े हुए। अरुण जब उस बैग को ढूंढने की कोशिश की तो उसे वह बैग कहीं नज़र नहीं आई और आखिरकार जब उसने CCTV कैमरा की छानबीन की तो पता चला कि उसके बैग की चोरी हो चुकी है। पता चलते ही अरुण ने पुलिस को चोरी की इत्तला दी। पुलिस वारदात की जगह आकर छानबीन की और CCTV फुटेज अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। इस वारदात को देखकर लोगों में खौफ नजर आ रहा है। बेंगलोर से 21-22 का आज मई 19 के दिन SSLC का रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। पूरे कर्नाटक का रिजल्ट 85.63% पाया गया। सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट ग्रामीण इलाके से पाया गया। इस साल कुल 8,53,436 तलबा इम्तिहानात देने पहुंचे थे, जिसमें 7,30,881 तलबा इम्तिहान में पास हो गए, जिसकी फीसदी बताई गई है 85.63। अगर हम माध्यम को लेकर देखेंगे तो अंग्रेजी माध्यम का रिजल्ट 92.88%, कन्नड़ माध्यम का रिजल्ट 87.65% और उर्दू माध्यम का रिजल्ट 76.9% देखा गया। ये भी पता चला है कि जून 27 से लेकर जुलाई 4 तारीख तक पूरक इम्तिहान लिए जाएंगे और मई 20 तारीख से अपने अपने स्कूल में मार्कशीट मिल सकते हैं। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। जज़ाकअल्लाह खैर।